मैं ना कभी कभार कंफ्यूज हो जाता हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आता है कि क्या करें यार। हर तरफ देखो लॉकडाउन है, लोग परेशान हैं, स्टूडेंट्स अलग डिस्टर्ब हैं, लोगों के बिजनेस ठप हुए जा रहे हैं। ये पेंडेमिक का असर इस बुरी तरह पड़ रहा है कि मुझे लगता है साइकोलॉजिकली पीपुल आर गेटिंग अफेक्टेड बाई इट। लोगों का दिमाग क्या कहें, कल की एक घटना है, कुछ स्टूडेंट्स इतना डिस्टर्ब थे कि उन्होंने कहा कि दे आर गोइंग टू कमिट अ सुसाइड। मैंने कहा क्या यार ये, व्हाट इज दिस? देर इज एन ओल्ड सेइंग, दोज दैट डोंट अप्रिशिएट लाइफ डू नॉट डिजर्व लाइफ। लाइफ इज वेरी प्रीशियस, जीवन अनमोल है, और इस तरीके से आसानी से सब कुछ खो देना कि क्या है। यही सोच कर करके आज मैं निकला, बहुत दूर एक जगह पर आया हूँ, बहुत ही प्राकृतिक, बहुत ही नेचुरल जगह है, और मैं और मेरे एक बहुत ही अभिन्न मेरे मित्र हैं माथुर जी, वी बोथ आर विपसना प्रैक्टिशनर्स, और विपसना की ताकत है जिसके कारण हम लोग आज भी ऐसे सिचुएशन में खुद को नॉर्मल रख पाते हैं। और आ गए, अभी वो नीचे की तरफ गए हैं, अभी बस वेट करते हैं। तो फिर बाहर निकल रहे हैं। हम लोगों के पास यही एक चारा बचता है, जब भी कभी मन तो नहीं उदास होता हम लोगों का, एंड दैट्स माय फ्रेंड। मेरा भाई कहाँ है? इधर आइए, इधर आइए, इधर से उतरा जाए कि आगे से चला जाए? अब इधर से उतरेंगे फिर चढ़ेंगे नदी में, चलते हैं ना। ये देखिए मस्त व्यक्ति हैं, दिलदार व्यक्ति हैं। से हाय टू माय फ्रेंड्स। अब हम धीरे धीरे ये नदी की बरसात तरफ बढ़ रहे हैं। अभी दिखाते हैं आपको ये। में प्रचंड रूप धारण कर लेती है हमारे पूरे शहर में, डुबाने की शहर को डुबाने की क्षमता तो रखती है, लेकिन इंसान के अंदर भी इतना विल पावर है, इतना कॉन्फिडेंस है कि क्या नहीं कर दिया। ये पुल है, देखिए इट्स वेरी लॉन्ग। ये बने कितना साल हुआ होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसमें जाल लगा हुआ था। मेरे पैर में ही नहीं, मेरे पूरी बॉडी में कई बार प्रॉब्लम हो चुकी है, और मेरे शरीर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं जिसमें टाके ना लगे हों। मैंने इतनी लाइफ में चैलेंजर्स लिए हैं, एंड आई हैव। अरे यार स्थान इतना दिव्य है इस समय, अच्छा पहले तो एक बात किसी बताइए तरह के लोगों व्यक्ति को। के लिए, चाहे वो साधक हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विद्यार्थी हो, जीवन के किसी भी परिदृश्य में हो व्यक्ति, यहाँ उसको जो चीजें मिल जाएंगी और प्रत्येक क्षण जीवन का जो है वो सुकून तलाशता है, और वो सुकून यहाँ है। आगे के विषय में आपको गुरु जी बताएंगे। क्या गुरु जी वैसे ही बहुत दुखी चल रहे हैं। कल ऐसी घटना घटित हुई दुख कि तो मन की माया है, दुख हमने तो मन सोचा की कि माया है। मेरे मन में ये बात आई कि आज का एजुकेशन सिस्टम क्या व्यक्ति को
वन साइडेड बना रहा है, ना उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है, इनर डेवलपमेंट तो भूल ही जाइए, आउटर डेवलपमेंट भी नहीं होता, और सब फ्रस्ट्रेटेड हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को हताशा निराशा वाली बातें करते सुना, जो अच्छे अच्छे क्वालिफाइड हैं बहुत लाइफ में, मटेरियलिस्टिकली बहुत आगे बढ़ चुके हैं। कल भी ऐसी एक घटना हुई थी तो हमने सोचा थोड़ा सहार कर करके अपना मूड चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या बात है कि आजकल का एजुकेशन सिस्टम किधर, हाँ 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 वेरी गुड। पहले एक बात बताइए, आजकल का एजुकेशन सिस्टम क्या है कि विद्यार्थी आजकल का फ्रस्ट्रेटेड है, हताशा निराशा वाली बातें करते हैं? पहले प्रथमतः तो एजुकेशन सिस्टम ही गड़बड़ है प्रारंभ से ही। वो एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से एक रटंत विद्या है, और रटंत विद्या से आईक्यू लेवल या मानसिक विकास नहीं होता है। जी, हमें अपनी व्यवस्था पुनः चालू करनी चाहिए, प्रारंभ करनी चाहिए, जिससे बच्चे आत्मिक और मानसिक रूप से मजबूत बन सके। और इसी शिक्षा की देन है कि आज जो है हर एक बच्चा थोड़ी सी समस्या आती है तुरंत वो हिम्मत हार जाता है, कहता है मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, कुछ भी। वो ये नहीं सोचता कि वह जीवन कितना महत्वपूर्ण है, माँ पिता ने कितने प्रयास से इस जीवन से संघर्ष करके उन्हें इतना बड़ा किया है, वो इस बात पे भी कोई विचार नहीं करते। एजुकेशन सिस्टम सुधारने के लिए हमें प्रकृति के समीप आना चाहिए, बिल्कुल यह बहुत आवश्यक है। अरे कल ये गार्जियन को हमने देखा वहाँ पर, प्रकृति के समीप नहीं रहेंगे तो फ्रेशनेस नहीं होगा, और जो तरोताजगी यहाँ इस समय हमें आने पे हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जीवन में इससे बढ़ के कोई स्थान है नहीं। आप देखेंगे एकदम नदी की धारा इस समय पूरी तरह से शून्य हो रही है। वाह क्या बात, और मन कोई विचार नहीं है, पूरे विचारों से मुक्त है, और यही वह अवस्था है जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयासरत रहता है जीवन लेने से लेकर मृत्यु पर्यंत। उसे शांति चाहिए, सुकून चाहिए। हमें लगता है ना, आप जितना ज्यादा विचार शून्यता की स्थिति में रहेंगे उतना ही सुकून में रहेंगे। बेशक, और सांसारिक भाषा में इसे आप सब कुछ करते हुए भी कुछ न करना कह सकते हैं। सांसारिक भाषा में कहने का मतलब, आप मन में यह भाव रखिए, करिए सब कुछ, जब तक ये विचार शून्यता नहीं आएगी तब तक मानस पवित्र नहीं होगा। और इसी तरह के विचार आएंगे कि मैं आत्महत्या कर दूंगा, इसे मार दूंगा, ये कर दूंगा, मैं कूद जाऊंगा, ये भावनाएं चलती ही, और ये आजकल ज्यादातर लोगों के दिमाग में है। जिस तरह आंधी चलती है उसमें उड़ते हुए पत्ते को आप पकड़ लेते हैं, इसी तरह विचार चलते हैं। आप जिस क्षेत्र से गुजरेंगे उसी तरह के विचार प्रवाहित होते हैं, और आपने जिस विचार को पकड़ लिया वो उसी तरह प्रवाहित होता रहता है। तो इसलिए विचार को पकड़िए मत, उसे क्या जीवन एक प्रवाह है। लाइफ इज लाइक अ रिवर, सी दिस, गहरा ऑलवेज फ्लोइंग। गहरा है क्या? गहरा है ज्यादा तो देखिए यार। अरे नहीं, आराम से आराम से, वो एक बैग गहरा होगा आगे, संभल के। तो रोज अंगूठा लेके चलते हैं, आज अंगूठा नहीं लेके। कोई बात नहीं, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, जैसे मैं हूँ हमेशा बिंदास रहता हूँ। अभी तुरंत नहाएंगे, कूद पड़िए फिर, लेकिन जरा संभल करके रहिएगा। सो फ्रेंड्स, लाइफ शुड बी लिव्ड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स। सी द फ्रेंड विथ होम आई वॉज इंटरेक्टिंग फ्यू मिनट्स बैक, नाउ ही इज planning for a swim,
बट आई एम नॉट इन अ मूड टू स्विम राइट नाउ. सी दिस फ्लो, सी द करंट इन दिस वाटर इन द रिवर. दिस इज कॉल्ड लाइफ. द लाइफ व्हिच यू आर लिविंग इज स्टैग्नेंट एंड मोनोटोनस. इट इज नॉट कॉल्ड लाइफ. आई नेवर कॉल इट अ लाइफ. सो instead of getting drowned and depressed, ये आजकल की education system का drawback है कि आज का विद्यार्थी, आज के अभिभावक सभी केवल हताशा निराशा की बातें करते हैं और कुछ नहीं. कल मुझे याद है, कल एक पेरेंट ने कहा, इतने साल से तैयारी कर रहे हैं और मेरे बच्चे कहते हैं एग्ज़ाम नहीं देंगे, पागल हुए जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है. मैंने सोचा मन में कि क्या ये सब बातें करते हैं. ये नहीं कि देखिए लाइफ को किस तरह जिया जाए. हाउ टू लिव अ लाइफ इज एन आर्ट. एंड इफ यू थिंक दैट यू हैव बिकम materialistically successful, then it is everything. I never treat it as a measurement of success. That is why I have always focused on inner development and outer development. मैंने हमेशा inner development और outer development दोनों को balance रखने की बात की और one-sided life से हमेशा दूर रहा. ये फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकली है, बुकिश लाइफ से बाहर निकली है और ये डिसाइड करी है कि किस तरह से जिंदगी जीना है. मैंने एक बार नहीं, कई बार आपसे कहा कि कम से कम कुछ सीख लीजिए नेचर से, जिसके लिए मैं हर बार आता हूं ऐसी जगहों पर. कभी आपने मेरे को देखा कि मैं किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में गया? हैव यू एवर सीन इट? मैं किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं जाता. मैं पूरी कोशिश करता हूं तो ऐसे प्राकृतिक जगहों पर आता हूं कि जिससे जीवन में ऊर्जा आए, स्फूर्ति आए. सी दिस प्लेस, इट्स अ वंडरफुल पीस ऑफ लैंड. मेरा भी मन है थोड़ा आगे जाने का, लेकिन अभी मैं कैसे जाऊं? अभी नहीं जा सकता क्योंकि मैं निकला हूं दूसरे काम के लिए और निकल आया दूसरी तरफ. एंड माय फ्रेंड ही इज टेकिंग अ डिप राइट नाउ देयर. सी, तो आज मेरे मन में जो व्याकुलता थी उसका मेन कारण कल की दो घटनाएं थी, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ने इस तरीके की अपनी मेंटल कंडीशन शो की जिससे मुझको बड़ा दुख हुआ. सो इट्स अप टू यू. यू कैन मेक योर लाइफ वॉट एवर यू वॉन्ट. आई कैन रादर ओनली सजेस्ट. चलिए मैं फिर से यही बोलूंगा, मस्त होकर के रहिए. और ये भौतिकवादी संसार के जो नियम है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, स्टॉप फॉलोइंग इट. बिकमिंग टू मच एम्बिशियस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू. सो दिस वाज ऑल व्हिच आई वांटेड टू एक्सप्रेस. नाउ आई विल रिटर्न बैक. पहले तो मैं देखूं कि वो जनाब क्या कर रहे हैं जो डुबकी लगा रहे हैं. आप तो बहुत अंदर चले गए, बहुत अच्छा. ठीक है कूदिए, अभी दिखाते हैं आपको. जा रहे हैं उनके पीछे जो जनाब चिड़ियों की आवाज सुनिए. इसी सब में मजा आता है, इसलिए
मैं भाग आता हूँ ऐसी जगहों पर जहाँ पर मुझे सुकून महसूस होता है। देखिए चिड़ियों की आवाज, मेडिटेशन कर रहे हैं। माय फ्रेंड इज मेडिटेटिंग राइट नाउ इन वाटर। लेट मी शो यू। He is practicing meditation right now। हम लोग रोज 2 से 3 घंटा इसी तरीके से मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, लेकिन आज मैं मेंटली मेकअप होकर के इस तरीके से नहीं आया। मुझे जाना था दरअसल अपने कॉलेज, इसलिए आज मैं ऐसे नहीं कर सकता, वरना अभी मैं भी करता। This is what is required by everyone. I am not suggesting that you people come and take a dip in water and start meditating in water. You can do it at your home. घर पर आप कर सकते हैं। कम से कम सारे फसाद की जड़ जानते हैं क्या है? ये दिमाग, इस दिमाग को नॉर्मल करिए। मैं बार बार कहता हूँ 10% कॉन्शस माइंड होता है और 90% अनकॉन्शस, प्री कॉन्शस, सब कॉन्शस होता है। उसको शांत करिए, ठीक। देखिए कितना शांत। चलिए अब उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। लेट मी वेट। जैसा भी रहा आज का जो भी बना वीडियो, देखिएगा एंड एक्सप्रेस योर व्यूज। ओके बाय।